प्यासी महेश जोशी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कल घोषणा पत्र कांग्रेस का लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, उस घोषणा पत्र से जनता कितनी खुश होगी, खास करके अगर हवा महल की बात करें वहाँ की जनता के लिए भी अच्छी खबर है, पूरे प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस घोषणा पत्र को महज एक कोई जुमला नहीं मानती, एक महज औपचारिकता नहीं मानती। पिछली दो सरकारों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सरकार बनते ही सबसे पहला जो काम दिया चुनाव घोषणा पत्र थमाया और ये कहा कि ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा घोषणा पत्र है, इसके आधार पर जनता ने हमें चुना है, हमें वोट दिया है, इस घोषणा पत्र को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो हम जो घोषणा पत्र हमने जारी किया है हम इसको भी उतने ही गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही जो घोषणाएं राहुल जी ने की हैं, 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की या दूसरे तत्काल जो निर्णय लेने की, वो निर्णय होंगे। और इसके साथ ही घोषणा पत्र को जो प्रशासन के मुखिया हैं उनको सौंपा जाएगा कि आप इसको पूरा करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करें। हवा महल की जनता के बीच गए, वहाँ की गलियों में गए हैं, तो आपको किस तरह की समस्याएं वहाँ देखने को मिली है जिसे आप देख पा रहे और आपको लग रहा है कि अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आपको उन पर नज़र डालना ज़रूरी होगा? समस्याएं समस्याएं हैं, न सफाई है, न सड़कें हैं, न कोई पानी के निकास की व्यवस्था है। कुल इलाके आज जिस प्रकार का जीवन हवा महल क्षेत्र की जनता जी रही है, अधिकांश इलाके जिस तरीके का मैंने वर्णन किया उस तरीके के हैं और बहुत भेदभाव के साथ काम किया जाता है। भाजपा की जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने पहली बात तो रखी निष्क्रिय था और दूसरा जितना जो थोड़ा बहुत काम किया वो पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण तरीके से किया है। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुझे विधायक बनने का मौका मिलता है, मैं बिना किसी भेदभाव के लेकिन उन इलाकों को प्राथमिकता दूंगा जहाँ काम की सबसे ज़्यादा जरूरत है और उसके बाद पूरे क्षेत्र में बिना भेदभाव के काम कराया जाए। हवा महल जो जगह है वो पर्यटकों के लिए भी मानी जाती है, वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ होती है लेकिन अतिक्रमण देखने को मिलता है, वहाँ पर पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, जाम लगा होता है, तो इन सब पे आप किस तरह से अपनी चुनौतियों को आप किस तरह से उभरेंगे? निश्चित रूप से सारी समस्याएं हैं, 5 मिनट में जब पहुँच लेते हैं 20-25 मिनट लग जाते हैं पहुँचने में, आधा घंटा लग जाता है, जाम से परेशान है, पशुओं की समस्या है, लोगों को ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो लोग बहुत मुश्किल में जीवन जी रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सारी समस्याओं को से लोगों को निजात दें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।